हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाटी किचन। आज मैं आपसे काजू मसाला करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने 4-5 प्याज को बारीक काट लिया है और प्याज के साथ ही 15-20 काजू को भी हम पीस लेंगे। सबसे पहले तेल को गर्म करके हम काजू को फ्राई कर लेंगे। ये हमारा काजू भी फ्राई हो चुका है और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम कुछ मसाले को ऐड करेंगे। खड़े मसाले भूनने के बाद इसमें हम 2-3 बारीक कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे। इसी के साथ 5-7 हरी मिर्च बारीक कटे हुए को भी ऐड करेंगे। इसे एक बार चला लेंगे। चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी ऐड करेंगे। जब प्याज लाल हो जाए इसमें 2 बड़े टमाटर कटे हुए ऐड करेंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक को भी ऐड करेंगे और चला लेंगे। जब प्याज और टमाटर अच्छी तरह से हो जाए अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम ग्राइंड किया हुआ प्याज और 1 चम्मच गरम मसाला को भी ऐड करेंगे। अब इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक पकाएंगे। इसमें हम 1 टमाटर की प्यूरी को भी ऐड करेंगे और इसमें 2-3 चम्मच क्रीम को भी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अब मसाला से खुशबू आने लगी है। अब मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ काजू और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ता को भी ऐड करेंगे। इसे 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भी पका लेंगे। अब काजू मसाला करी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।